बड़े बड़े सीईओस को मैंने पूछा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओस को, कि द पर्सन टू हुम यू आर पेइंग मोर देन 10 करोड़ रुपीस पर एनम इन सैलरी, व्हाट डू यू आस्क देम इन देयर इंटरव्यूज। तो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे पूछा था कि स्वामी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्क्ड दिस, कभी हमने ये नहीं सोचा था। मैंने बोला कि क्योंकि कई एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी एनुअल तनख्वाह है 50 करोड़, 100 करोड़। मैं जागृत अवस्था में बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, ओरेकल, ओरेकल कंपनी है। आप नेट पे जाके ओरेकल खोलना, एलिसन नाम डालना और उनकी तनख्वाह आप देखना। पिछले 5 साल की उनकी एवरेज तनख्वाह है $400 मिलियन पर ईयर। साइलेंस। $400 मिलियन, $1 मिलियन मतलब 65 करोड़ गिन लो, चलो राउंड फिगर 70 करोड़ गिन लो। $1 मिलियन इज 10 लाख डॉलर्स, इज 7 करोड़ रुपीज। सो 400 मिलियन इज 2800 करोड़ रुपीज पर एनम सैलरी। अब देख लेना, मैं नाम देता हूँ एलिसन, ELLISON, ही इज द सीईओ ऑफ ओरेकल। आप नाम देख लेना। अभी परसों ही आपने सुना होगा सुंदर पिचाई का, गूगल के सीईओ, पर डे की सैलरी 3.5 करोड़। परसों ही न्यूज थे, हाँ 2 दिन पहले न्यूज थे, लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की पूरी सैलरी उनकी 1285 करोड़ थी। हम दिल्ली में एक फंक्शन में साथ में थे, मंच पे बैठे थे। मैंने उनको पूछा कि दोज एग्जीक्यूटिव्स हुम यू पे मोर देन 10 करोड़ और 25 करोड़, उनको इंटरव्यू में आप पूछते क्या हो, क्योंकि उनके पास डिग्रीज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ही इज अ डबल MBA फ्रॉम LSE और हार्वर्ड, एकेडमिक्स तो पूछना नहीं है। इतनी बड़ी तनख्वाह देते हो तो वो 10-15 साल का अनुभव तो है उसको, 10-15 साल में उसने 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ मैनेज किए हैं, हर साल टर्नओवर किया है, ऐसी कंपनीज में ही बड़ी बड़ी पोजीशंस में वे रहे हैं। तो उनको नेटवर्किंग में पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछना नहीं है, HR में पूछना नहीं है, मैनेजमेंट में पूछना नहीं है, ग्रोथ के बारे में आपकी क्या सोच है वो पूछना नहीं है, आप पूछते क्या हो उनको इंटरव्यू। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि स्वामी जी, इन कक्षा के लोगों को जिनको हम ये प्रकार की तनख्वाह देते हैं, उनको इंटरव्यू में एक ही प्रश्न पूछते हैं। आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड। मैंने बोला एक ही प्रश्न पूछते हो कहां, और उनका उत्तर वे 20-25 मिनट तक देते हैं, तभी उत्तर पूरा बनता है। दैट वॉज मोर सरप्राइजिंग। आई सेड व्हाट डू यू आस्क, ही सेड हम एक ही प्रश्न पूछते और ये पूछते हैं, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। प्रश्न क्या पूछते हैं इन कक्षा के लोगों को, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ। आपके परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ पूछना नहीं है कि मैं पहली कंपनी में था वहां 200% सेल बढ़ा दिया, दूसरी कंपनी में था वहां 500% ग्रोथ कर दिया, वो हमें नहीं सुनना है। वो था या? आप लोग सब जो यहां बैठे हो, जो इंटरव्यू वाले देने आए हो, जिनको हम ये तनख्वाह देने वाले, सबके पास ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस स्टोरीज है, ये कॉमन है, ये हमको नहीं पूछना है। पूछना क्या है, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। सिंपल। परफॉर्मेंस से आपका कैलिबर का टेस्टिंग नहीं होता, वो तो किसी को भी चांस मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कूद लेता है। हाउ डिड यू हैंडल फेलियर, हाउ डिड यू हैंडल अ सेटबैक, हाउ डिड यू हैंडल अ फॉल इन योर लाइफ, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप रूटीन में जब हमारी, अगर आप हमें, अगर हमने आपको हायर कर लिया, रूटीन में हमारी कंपनी चलती होगी तो आप तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई नहीं वाले हो, लेकिन कंपनी में अगर बड़ी आफत आ गई तो आप क्या करोगे वो बताओ, बाकी तो आपकी जगह और कोई भी ये कंपनी चला लेगा। Isn't it a very important question? उसमें वो मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे बताया कि स्वामी, इसके उत्तर में उसको 20-25 मिनट हम देते हैं और उसमें भी हम ये जांच करते हैं कि किस प्रकार के विचार और प्रैक्टिसेस उसने अप्लाई किए वो साइड में रखते हैं, किस प्रकार के एटीट्यूड्स उसने उस वक्त रखे उस पे हम गौर रखते हैं। व्हाट वी सी इन हिज आंसर इज नॉट व्हाट ही थॉट ड्यूरिंग फेलियर, नॉट प्रैक्टिकल्स व्हाट ही अप्लाइड टू कम आउट ऑफ दैट फेलियर, व्हाट वी सी इज व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड ही केप्ट व्हेन ही वाज अ फेलियर, व्हेन ही मेट फेलियर इन हिज लाइफ।
तो महान लोग ये परिस्थिति में इस प्रकार के एटीट्यूड रखते हैं। तो इसमें यह बात आती है गम खाने की। यह बहुत बड़ा विचार जो प्रमुख साईं मार्ग ने दिए, उसमें कई प्रकार के ऐसे अर्थ आ जाते हैं। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ लाइफ। हाउ डू हैंडल फेलियर्स? फेलियर हैंडल में सिर्फ आपका एटीट्यूड, एक ही शस्त्र आपके पास रहता है। हां, ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएगी जब आपके मोबाइल नंबर में 400 फोन होंगे, किसको फोन करूं वो तकलीफ में आ जाएंगे आप। इवन इफ यू आर द सहारा ऑफ थाउजेंड्स ऑफ होम्स, व्हेन यू आर लाइंग बेसहारा इन तिहार फॉर 4 इयर्स, किसको फोन करूं? उनके मन में भी दिक्कत होगी ना कि अभी 4 साल से 10,000 करोड़ के रुपए के व्यक्ति तिहार में है, किसको फोन करते होंगे वो? मोबाइल में तो होंगे 1,000 से ज्यादा नंबर। आपके सिटी के, बैंगलोर के किंग ऑफ द स्काईज जब भारत छोड़ना पड़ा, तब भारत का पासपोर्ट नहीं यूज कर पाए, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे भाग गए ना। अभी वापस लाने की सब प्लानिंग चल रही है, आएंगे शायद, और अगर मुंह खोलेंगे बड़े बड़े तकलीफ में आने वाले हैं। तो फेलियर्स जब आते हैं तब एटीट्यूड किस प्रकार का रखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ब्लेम गेम चालू हो जाती है। तो ये व्यक्तिगत जीवन में है। तीसरा एक बात कार्य दृष्टि से, कि कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पे हमारा अधिकार नहीं है। इफ देयर आर 100 things विच आर इन योर कंट्रोल दैट यू कैन इफेक्ट द एंड रिजल्ट, देयर आर 1,000 factors विच आर नॉट इन योर कंट्रोल विच कैन नेगेटिवली इफेक्ट द एंड रिजल्ट। यस और नो? आपने बड़ा अच्छा धंधा चालू कर दिया लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई, तो आपने स्टैंड का धंधा चालू कर दिया और गवर्नमेंट ने कैप रख दी, क्या करेंगे? रख दी है, और कहीं कैप्स आने वाली है। मतलब देयर आर 1,000 factors विच आर नॉट इन योर कंट्रोल विच कैन एक्चुअली इफेक्ट द एंड रिजल्ट। इसलिए श्रीमद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि यू डू योर जॉब इन द बेस्ट नॉलेज एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू हैव, एंड रिजल्ट लॉर्ड कृष्ण सेज आई विल डिसाइड। आपके पूर्व के जो कर्म हैं, आपने जिस भावना से वो कर्म किया है, जिस स्वार्थ से वो कर्म किया है, जिस एक दोनों को धक्का मार के आगे निकल गए हो, वो सब भी गिनती में तो लेना पड़ेगा ना। वो सब वो हिसाब से फाइनल रिजल्ट आता है। अगर ये बात को समझ ले तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे, कभी स्लीपिंग पिल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।